नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। जनपद हरिद्वार के रुड़की और आसपास क्षेत्रों में कुट्टू का आटा खाने के बाद दर्जनों लोग बीमार हो गए हैं। बीमार लोगों को रुड़की के सरकारी अस्पताल व अन्य अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां से कुछ लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। वहीं पुलिस उन दुकानों को खंगाल रही है जहां से आटा खरीदा गया था। आपको बता दें कि रात करीब 10 बजे रुड़की के सरकारी अस्पताल व अन्य अस्पतालों में उल्टी और चक्कर आने की शिकायत को लेकर मरीज पहुंचने लगे। जब जानकारी जुटाई गई तो पता लगा कि सभी ने नवरात्रि का व्रत रखा था और शाम के समय कुट्टू के आटे से बना हुआ खाना खाया था। बीमार लोगों में एक परिवार के 4 से अन्य परिवार से 1 से 2 सदस्य भी शामिल हैं। करौदी भगवानपुर निवासी महिला ने बताया कि कल परिवार के लोगों ने पहले नवरात्र व्रत रखा था, जिसके बाद उनके परिवार के उनके बड़े भाई के मित्र घर पर कुट्टू का आटा लेकर आए थे, जिसके बाद शाम को व्रत खोलने के बाद ही उन्होंने कुट्टू के आटे का सेवन किया और उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद उन्हें चक्कर एवं उल्टी आना शुरू हो गया, जिसके बाद रात करीब 10 बजे तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई। रात 11:30 बजे रुड़की के निजी अस्पताल में एडमिट कराया गया, जिसके अलावा अन्य कई लोगों का भी अलग अलग जगह इलाज चल रहा है। सभी ने कुट्टू के आटा खाया था। अस्पताल के चिकित्सकों ने बताया कि उनके यहाँ देर रात करीब 25 मरीज आए थे, जिसमें 13 को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया, जबकि 12 अभी भर्ती हैं। कुल मिलाकर अभी तक 32 से अधिक लोगों की जानकारी मिली है, जिसमें से कुछ सरकारी अस्पताल व अन्य अस्पतालों में भर्ती हैं। वहीं इतनी बड़ी संख्या में लोगों के बीमार होने की सूचना के बाद पुलिस ने दुकानों पर छापेमारी शुरू की और कुट्टू के आटे के सैंपल लिए और जानकारी जुटाई कि आटा कहाँ से आया था। गंग नहर कोतवाली प्रभारी मनोज मेनवाल के नेतृत्व में SSI देवराज शर्मा एवं एन पुलिस टीम ने विभिन्न दुकानों पर जाकर जांच की। वहीं इस संबंध में खास सुरक्षा अधिकारी संतोष कुमार का कहना है कि उन्होंने दुकानों पर जाकर चेकिंग की है और फिलहाल दुकानदारों को कुट्टू का आटा बेचने के लिए मना किया है और साथ ही कुट्टू का आटा लेकर सैंपल के लिए ले गए। देखना है कि अब क्या कार्रवाई होती है। वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। कॉलेज रुड़की में इसके पास एक निर्माणाधीन भवन के पास से फैसल नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जो रुड़की के ही रामपुर क्षेत्र का रहने वाला है। इसके पास से 15 ग्राम के लगभग स्मैक बरामद हुई है, जो इसके द्वारा लोगों को बेची जाती थी और उससे अर्निंग करता था। इसमें नवीन पुरोहित सब इंस्पेक्टर द्वारा और उसकी टीम द्वारा इसको पकड़ा गया है। मौके पर मुझे बुलाया गया था, मैंने इसकी जाँच की तो इसका कुल वज़न जो है वो 16.48 ग्राम लगभग है। तो इसको हमने सील कर दिया है माल को और इसकी गिरफ्तारी इनके द्वारा की जा रही है और मैं कार्रवाई करने के बाद इनको निर्देशित करके वापस जाऊँ। सर कहाँ से लाता था, कहाँ भेजते थे? ये इनका कहना है कि ये लोग बरेली से लेकर आते हैं, बरेली से काफ़ी लोग यहाँ पर लेकर आते हैं जिनके साथ ये भी सम्मिलित है। तो बाकी और लोगों को जिनका भी ये नाम बताएगा उसको उसके विरुद्ध भी कार्रवाई इसमें की जाएगी।